हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास नाइन्थ का ऐप देख सकते हैं। आपका जो अक्टूबर में आपका परीक्षा पड़ने वाला है, मासिक परीक्षा 21 अक्टूबर को, उसी का हम 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका 101% आपका रियल प्रश्न पत्र है A to Z। तो एग्जाम से पहले आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा, 101% आपका यही आएगा, सेम टू सेम। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक से हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत का आपका 101% आपका रियल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं, जो 21 अक्टूबर को आपका एग्जाम पढ़ने वाला है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एक देखते हैं, आपका विषय कोड यहाँ पे देख लीजिएगा, 105 आपका रहने वाला है। ठीक, 105 आपका विषय कोड रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एक रहने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि नीति प्रधानी किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ पे नीति शतक हो जाएगा, नीति शतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा। ठीक, एक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है, क्या करती है, तो यहाँ पे उन्नत करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सत्संगति क्या करती है, सत्संगति क्या करती है, तो अज्ञानता को दूर करती है, मन को उन्नति की तरफ ले जाती है, वाणी को सत्यता से पूर्ण करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक, तीन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है आपका कि न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं, कौन लोग विचलित नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर धनीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है पाँच नंबर कि आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है, आरंभ में किसकी मित्रता बहुत बहुत होती है, बड़ी होती है, तो दुष्ट की हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और चार का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है छः नंबर कि विपत्ति में धैर्य धारण करना किसका लक्षण है, किसका लक्षण है, तो महात्मा का हो जाएगा, यानी कि छः का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, छः का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है सात नंबर कि विघ्न के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते, कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते हैं, तो इसका हो जाएगा नीच लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सात का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, सात का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीच लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आठ है। क्वेश्चन नंबर आठ है आपके यहाँ पे कि निदंतु किस प्रकार में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोट लकार में। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आठ का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है नौ नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में अनेक धर्म है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक, नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है दस नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईद हो जाएगा। ठीक, दस का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सेवई हो जाएगा। ठीक, ग्यारह का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पे, पूरा के पूरा क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा जैसे भी हो सके। ठीक, सेम टू सेम आपका यही प्रश्न रहने वाला है। 12 नंबर प्रश्न है कि मन वचन और कर्म से यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मन वचन और कर्म से पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोविज्ञान शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 13 नंबर कि जकात किसे कहा जाता है, तो दान को कहा जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है,
तो लय प्रत्यय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 का ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 15 नंबर है, 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि खादंते शब्द का क्या अर्थ होता है, खादंते शब्द का क्या अर्थ होता है, तो खाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 का डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि मुख्योत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, मुख्योत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, मुख्य जो उत्सव हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 17 नंबर है कि गम नियम में कौन सा प्रत्यय है, गम नियम में कौन सा प्रत्यय है, तो गम नियम नियम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका अनियम हो जाएगा, अनियर। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 का ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि श्रोत्वम में कौन सा प्रत्यय है, तो त्वम प्रत्यय है, त्वेत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि राजान का प्रातिपदिक क्या है, तो यहाँ पे राजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है आपका कि राजाज्ञम किस विभक्ति में है, तो षष्ठी विभक्ति में है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है कि भवता के वचन एवं विभक्ति है, भवता के वचन एवं विभक्ति है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भवता के, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तृतीय एकवचन, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि भवंतः का प्रतिपादिक क्या होगा, भवंतः का प्रतिपादिक भवतः हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि भवंतः का अर्थ हो क्या होगा, भवंतः का अर्थ क्या हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि आत्मनम किस वचन में आता है, तो इस ये एक वचन में आता है आत्मनम, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि सेवंते किस लकार में आता है, तो लट लकार में आता है। यहाँ पे हम आपका 30 में से 25 क्वेश्चन आपका करवा दिए हैं और 25 ही क्वेश्चन आपको बनाना है, 5 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। ठीक, तो 25 क्वेश्चन एकदम राइट आपको करवा दिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी सब्जेक्ट का पेपर आया हुआ है, सभी सब्जेक्ट अपना देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर अपना टोटल वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।